वाराणसी में जन विकास समिति ने असहाय दिव्यांगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत सिलाई कढ़ाई एवं अन्य संसाधनों की ट्रेनिंग दी और बताया कि किस प्रकार से दिव्यांग और असहाय लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि टेली रिहैबिलिटेशन सेवा प्रदान करने के लिए जन विकास समिति उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड से 8 सहयोगी संस्थाओं को चयनित किया है। 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद उपरोक्त चयनित संस्थाओं को कंप्यूटर सिस्टम और टैब प्रदान किए गए हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर उत्तम ओझा, मैं भारत सरकार में दिव्यांग लोगों के लिए जो बोर्ड है, मैं उस बोर्ड का, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का मैं मेंबर हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ पे जन विकास समिति द्वारा ऐसे अपने दिव्यांग बंधु जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, उनको प्रशिक्षण देने का कि ये अच्छे से अपना काम कर सके, एक प्रशिक्षित रूप में जो है काम कर सके, उनको रोजगार देने का ये आवासीय ट्रेनिंग सेंटर जो है इन्होंने रखा है, उसका ये उद्घाटन था आज। लगभग कितने दिव्यांग बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं? ये लगभग पूरे जो है देश के कई हिस्सों से आए हैं, जिनकी संख्या 50 के लगभग होगी और जिसमें 17 बाहर के हैं, जो बेतिया और क्या कहते हैं कि बस्ती और अन्य जगहों से आए हुए हैं। इनके रहने की और पूरी व्यवस्था है, ये यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एक बेहतर जो है क्या कहते हैं प्रशिक्षण होगा और इनको रोजगार उपलब्ध होगा। जो सरकार की प्राथमिकता है कि हम दिव्यांग को दया का पात्र न बनाकर उनको स्वावलंबी बनाएँ, उस दिशा में जन विकास समिति ने बड़ा ही सार्थक प्रयास किया है, हम इसकी सराहना करते हैं। किस तरह का रोजगार का मतलब दिया जाएगा? ये होटल मैनेजमेंट से संबंधित ट्रेनिंग है यहाँ पे, फूड प्रबंधन, जैसे कैसे भोजन को अच्छे से या सर्व कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये भोजन से प्रशिक्षण से है। भविष्य में अन्य विषयों को भी ये लोग सम्मिलित करेंगे जिसका ये प्रशिक्षण देंगे। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है वाराणसी में ही हो रहा है या और भी अन्य जगह? नहीं, ये तो पूरे देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके है जो पूरे भारत में, क्योंकि भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम 25 लाख दिव्यांगों का प्रशिक्षण देके, ट्रेनिंग देके उनको हम तैयार करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, कई प्रकार के हैं। ये तो बनारस में ये संस्था अपना जन विकास समिति कर रही है, लेकिन ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भारतव्यापी अभियान है। कोई उम्र सीमा भी तय है? कोई उम्र सीमा इनकी कोई नहीं, कोई भी जैसे कोई रोजगार कर सकता है। प्रधानमंत्री जी का तो कहना है कि भाई जैसे छोटे छोटे रोजगार, अगर कोई साइकिल का पंचर भी बनाता हो तो ठीक प्रकार से बनाए, उसकी ट्रेनिंग हो। कोई अगर बिजली का काम करता है तो अच्छे से करे, सब्जी ही बेचता, स्किल डेवलपमेंट की यही ट्रेनिंग है ना, कि कोई भी जो काम है वो अच्छे से करे, मनोयोग से करे, उसमें वो प्रशिक्षित हो, ये काम है अपना। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, मनीष कुमार जी। आप कहाँ पर हैं, किस तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग आपको दी जाती है, अब तक क्या आपको लाभ मिला है? मैं तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कमीशनर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जो फूड एंड बेवरेज का ट्रेनिंग दिया गया है उनको मैं देख रहा हूँ, जिसमें कहा था मैं फिर से मैं इसी को ज्वाइन किया हूँ। पिछला बैच मैं पूरा किया था, करीब 12 बच्चों के साथ ही मिली। आपने पढ़ाई कहाँ से की? बीकॉम किया सर, यूपी कॉलेज से। कहाँ के रहने वाले हैं? मुर्दमा के ही हूँ, पास से मेरा। कितने सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं? यहाँ पर सर 7 साल से ऊपर हो गए थे। आपके और साथी भी क्या नौकरी आपके साथ कर रहे हैं? जी जी, मेरे साथ में एक सावित्री है जो कि यहाँ पर जॉब करती है। अच्छा, वो भी दिव्यांग है? वो भी दिव्यांग है, मतलब यहाँ दिव्यांगों को सेल्फ डिपेंड बनाया। जी जी। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? सर फूड एंड बेवरेज की यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद से कई सारे प्रोजेक्ट भी हैं, अलग से भी प्रोजेक्ट चलते हैं जिस पर कि काम किया जाता है हैंडीकैप बच्चों के साथ में। जैसे यहाँ पर हेल्थ पर भी होता है, एजुकेशन पर भी होता है, और उसके बाद से सेल्फ डिफेंड के लिए भी होता है। जो अशिक्षित हैं उन्हें भी कुछ नया सुविधा मिलती है? जी, उनके लिए भी यहाँ पर किया जाता है, उनके लिए भी रोजगार के लिए कुछ अलग से।